सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इग्नू के स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ कि पहली बार जब एडमिशन लेते हैं आप इग्नू में, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है कि आपको स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ईजिली मैं आपको बता दूँगी कि आप किस तरीके से आप अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहे, तो मैं आपको बिना देरी करे आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लें। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी वेबसाइट पर। मतलब आपको कौन सी साइट पर जाना, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ। सबसे पहले आपको जाना है eGyankosh.ac.in पे आपको जाना है। देन इसके बाद आपको ऐसा पेज ओपन होगा, देख सकते हैं आप। देन इसके बाद आपको दो तरीके से आप अपने सब्जेक्ट, जो भी आपका कोड है, कोई सा भी मीडियम है, आप यहाँ से कहाँ से सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। देन इसके अलावा आपको एक सर्च बार का ऑप्शन दिखेगा जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आपको इस पर जैसे कि अपना सब्जेक्ट कोड या फिर सब्जेक्ट का नेम सर्च करना है, तो आप यहाँ से स्टडी मटेरियल को मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं लिख दी थी BAG, मैं इसके बाद आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके का पेज ओपन होगा, देख सकते हैं आप। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है तो आपके उसके आपके सामने फिर कुछ मीडियम्स आएंगे। मतलब किस मीडियम में आपको क्या कहते हैं एग्जाम है, आपको कौन से मीडियम्स में, तो ज़्यादातर क्या कहते हैं BAG हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश को ओपन कर लेते हैं। हाँ, तो इस तरीके का पेज ओपन होगा आपके सामने। तो आपको इसमें से क्लिक करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कोड है। तो आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ब्लॉक्स ओपन होते हैं। तो ब्लॉक्स का मतलब चैप्टर वाइज आपको बता दिया जाता है कि इसमें कैसे कैसे मतलब पूरा चैप्टर इसकी तरह आपको डिफाइन किया हुआ नज़र आता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे ब्लॉक वन पे क्लिक करते हैं का पेज ओपन होगा, तो आप इसको Unit 2 या फिर जितने भी ये भी तरीके से चैप्टर्स होते हैं, तो आप इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक व्यू ओपन का ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर। आप इस पर क्लिक करते तो ऐसे में आपकी मतलब जो आपका स्टडी मटेरियल है PDF फॉर्म में आपको शो हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा अभी यहाँ नेटवर्क इशू हो रहा है, देर में हो रहा है, बट क्या कहते हैं आप जब डाउनलोड करते तो ऐसे यहाँ से कर सकते हैं इजीली। जैसे कि यहाँ का हो चुका है हमारा स्टडी मटेरियल डाउनलोड। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको फ़ोन में करना है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों के पास PC होता है, तो आप ज़्यादातर क्या करते हैं आप फ़ोन से ही करते हैं। तो फ़ोन में आपको बता दूं तो आपको क्या करते हैं फ़ोन पे भी ये वेबसाइट पे जाना है। देन आपको Freelance दिखेगी, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली देखती हूँ तो मैं आपको फ़ोन में सर्च का ऑप्शन नहीं दिखता, तो आपको Freelance दिखेगी, वो आप उस पर क्लिक करके फ़ोन पे तो वहाँ पे सर्च करके आप क्या कहते हैं अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ तक जो मेरी वीडियो थी फिनिश हो चुकी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको स्टडी मटेरियल डाउनलोड कैसे करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आप इग्नू में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो हमारे चैनल पर यूँ ही बने रहने के लिए या फिर इग्नू के हर एक अपडेट्स पाने के लिए, तो हमारे चैनल पर यूँ ही बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।